नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात मायावी प्रशंसा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बग के तेवर बागी होते जा रहे हैं। शफीकुर रहमान बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए थे, अब अचानक उनका मायावती के प्रति प्रेम उमड़ आया है और उन्होंने मायावती को देश की जरूरत बता दिया। संबल से सांसद शफीकुर रहमान का क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है। यदि वो बहुजन समाज पार्टी में वापसी करते हैं तो बसपा को इसका फायदा हो सकता है, लेकिन अतीत में की गई उनकी बयानबाजी चुनाव के समय मुद्दा बन सकती है। शफीकुर रहमान मायावती के अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा से भी परेशान है। 2014 में समाजवादी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने के कारण उनको हार का सामना करना पड़ा था। 2019 में सपा बसपा गठबंधन के कारण वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे, शायद इसलिए उन्होंने बहन जी की तारीफ की है। किस तारीफ का मकसद सपा बसपा का गठबंधन है या फिर दल बदलने की तैयारी, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं राजनीतिक दलों का इस बारे में क्या कहना है। उन्होंने अपनी यानी कौम के लिए या अपनी बिरादरी के लिए उन्होंने काम किया है और फील्ड में जमकर काम किया है। बहरहाल मैं भी उनकी पार्टी में रह चुका हूँ, कैसे 9 में मैंने भी इलेक्शन लड़ा था, तो मेरा इलेक्शन बहरहाल उनकी पार्टी से मैं जीता था, समाजवादी हार गई थी। लेकिन बहरहाल जहाँ तक उनका ताल्लुक है, वो भी एक शख्सियत हैं और सुप्रीमो हैं, वो उनके रहने से उनकी भी ज़रूरत है देश के अंदर, ताकि ओबीसी के लोगों का के साथ जो जुल्म और ज़ाती और नाइंसाफ़ी होती है उसके रोकने के लिए उनकी भी ज़रूरत है। और हम भी बहसियत मुसलमान के हम भी सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट भाई जब जो ओबीसी के साथ जब नजायज़ सलूक होता है तो हम बहरहाल उसको पसंद नहीं करते, हम बहरहाल इस मामले में उनके साथ हैं। देखिए, वो अब उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, 94 साल की उम्र हो गई है, 2-3 आदमी उनको अपने साथ ले उठाते बिठाते हैं, दिमाग भी उतना काम नहीं करता, दूसरे के दिमाग से काम करते हैं। मुसलमानों के लिए उनके पास कोई जगह नहीं, मुसलमान उनको नकार चुका। और ये वो लोग हैं जिनको जिनकी वजह से मुसलमानों को और नुकसान हो रहा है, ये हों या MIM वाले हों, ये दोनों एक ही तरह के बयान देते हैं जिससे पार्टी को नुकसान होता है, जिससे मुसलमानों को नुकसान होता है। हमारा इस तरह का बयान कोई नहीं होता। अखिलेश यादव जी को तेलंगाना का अपना दौरा रद्द करना चाहिए और उत्तर प्रदेश वापस आना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भीतर सिर्फ फुटबॉल दिखाई पड़ रही है। संभल के सांसद और विधायक आपस में एक दूसरे पर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, और उनके सांसद तो अब अखिलेश जी के बजाय मायावती जी की प्रशंसा कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी की पार्टी के भीतर कभी परिवार में सिर्फ फुटबॉल होती है तो कभी पार्टी के भीतर सिर्फ फुटबॉल होती है। जब से अखिलेश यादव जी ने कमान संभाली है तब से उनकी पार्टी पर पकड़ लगातार कमजोर हुई है, तो इसलिए तेलंगाना में समीकरण बनाने की बजाय आकर के उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को संभालिए, नहीं तो आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश से ही विलुप्त हो जाएगी। पार्टी के सांसद हैं और लोकतंत्र में कोई किसी की तारीफ कर सकता है? सवाल विचारधारा की लड़ाई का है, वो तय करें कि वो क्या करना चाहते हैं। मायावती जी जब भी जोर उत्तर प्रदेश में दलितों पर हो, पिछड़ों पर हो, अल्पसंख्यकों तो न बहन मायावती नजर आई। शफीकुर रहमान साफ समय समय पर वो अपने वक्तव्य देते रहते हैं, इस समाजवादी पार्टी के मुखिया को बताना पड़े। तो याद आई BSP या कहें मायावी प्रशंसा। चलिए मिली उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे समझेंगे कि आखिर इस प्रशंसा या इस उमड़ रहे प्रेम के पीछे किस तरह की सियासत है, किस तरह की पॉलिटिक्स है। चलिए, सुधा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, हमारे साथ जुड़ी हैं। सुधा जी आपका स्वागत करती हूँ। दीपक बघेल प्रवक्ता हैं BJP से, हमारे साथ जुड़े हैं। बघेल साहब स्वागत। शिल्पी चौधरी नेता हैं सपा से, हमारे साथ जुड़े हैं। शिल्पी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक, उत्तर प्रदेश की धारा को बहुत अच्छे से समझते हैं और आज हमें बताएंगे कि शफीकुर रहमान साहब का जो ये BSP प्रेम उमड़ रहा है उस पर उनका क्या कहना है। माफ कीजिए, अमरेंद्र प्रताप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी असिस्टेंट एडिटर हैं हमारे यहाँ लखनऊ से, हमारे साथ इस वक्त दिख रहे हैं, उनसे भी हम जानेंगे। पहले गोस्वामी साहब आपसे ही मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी इस पॉजिटिव रिएक्शन के पीछे, शफीकुर रहमान बर्ग के BSP की तरफ झुकाव के पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं सर? गोस्वामी साहब
जी, असल में शफीकुर रहमान वर्क पिछले कुछ समय से समाजवादी पार्टी से कुछ रुष्ट से चल रहे हैं। अच्छा, अब राजनीतिक दलों में और उनके नेताओं में, हालांकि ये बड़े पुराने नेता हैं, ये सांसद कई बार रहे तो वो पुराने लोगों में, लेकिन अब इन नेताओं में कोई मूल्यों की, नीतियों की, सिद्धांतों की तो कोई राजनीति रह नहीं गई है। अब तो मतलब परस्ती की राजनीति हो गई है। अभी जो सपा प्रवक्ता ने एक बात कही कि वो उम्रदराज हो गए हैं और अब वहाँ उनका आपस में ही, अब उनको रिटायर हो जाना चाहिए, उनके कहने का मकसद सीधा सीधा सा था। असल में वास्तविकता ये है कि मुरादाबाद में जो हसन साहब हैं उनको महत्व दे दिया और उनको वहाँ संसद में जो है वो उनको पार्टी का नेता बना दिया, इनको नहीं बना दिया। इससे ये, इस वजह से ये पिछले कुछ समय से खपा चल रहे हैं। दूसरे ये बात भी सच है कि रहमान वर्क जो हैं वो हमेशा उलूल जुलूल बयान के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं और वो कंट्रोवर्शियल बयान देने के अभ्यस्त हैं, आदि हैं। मतलब किसी भी चीज को सकारात्मक नजरिए से न लेके नकारात्मक नजरिए से देखना उनका एक सगल भी है, तो उसकी वजह से भी पार्टी उनकी वजह से असहज महसूस कर रही थी। और इधर हसन को जीने से ये अपने को असहज महसूस करने लगे। वास्तविकता ये है कि अब वो जान रहे हैं कि शायद इस बार उनको टिकट नहीं मिलेगी या वहाँ किसी और युवा को, किसी वहाँ ऐसे नेता को, ये डर जरूर सता रहा होगा उनको, क्योंकि अब जिस तरह से हम देख रहे हैं पॉलिटिक्स जो स्ट्रैटेजी बदली है सपा की, एम वाई फैक्टर से इतर कुछ चेंजेस दिख रहे हैं सपा की स्ट्रैटेजी में भी। हाँ, तो मुझे लगता है कि शायद वो आशंका की वजह से, और वो अभी भी सांसदी का मुंह उनका पीछा नहीं छोड़ रहा, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं खड़े होके, तो उनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। बिल्कुल सर। तो इसलिए बसपा में वो पहले रह भी चुके हैं, तो इसलिए वो आजकल मायावती जी का भजन कीर्तन करने लगे हैं, और मायावती जी का अगर वहां टिकट नहीं मिलेगा तो वो भजन कीर्तन बन के वो कांग्रेस का भजन कीर्तन करने लगेंगे। तो उनको राजनीति भी क्या क्या करवाती है इन लोगों से। हाँ, ये जी, पहले पहले जिनसे खफा थे आज वो रुसवाइयां खत्म हो गई हैं। अमरिंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरिंद्र, वाकई जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी सपा की बदली है, उसे भांपते हुए शफीकुर रहमान को लग रहा है कि अब शायद मेरा कुछ यहाँ होने वाला नहीं है, अब बीएसपी की तरफ थोड़ा जाया जाए, लेकिन बीएसपी की तरफ जाने में भी उनको ये लगता है कि शायद सत्ता में तो नहीं आ पाएंगे, वोट परसेंट उतना भी नहीं है, लेकिन वोट परसेंट अच्छा खासा है और उनका खुद का भी जो बैकग्राउंड है, जो वोट परसेंटेज वो हर बार लेकर आते हैं वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे में कहाँ नुकसान, कि सपा को नुकसान है अगर उनकी नाराज़गी भारी पड़ती है, तो बीएसपी को फ़ायदा है अगर वो वहाँ जाते हैं, तो कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल पारुल जी, सवाल तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आपका जवाब देने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाऊं। देखिए, क्रिकेट एक गेम होता है, क्रिकेट पॉलिटिक्स नहीं होता, लेकिन क्रिकेट में गेम में दो चीजें होती, खिलाड़ी या तो खुद के लिए खेलता है या देश के लिए खेलता है। जब देश के लिए खेलता है तो कहा जाता है टीम प्लेयर, और खुद के लिए खेल जाता है तो कहा जाता है ओन प्लेयर। और ऐसे पॉलिटिक्स में या तो पार्टी के लिए आदमी बयान देता है या खुद के लिए बयान देता है। पार्टी के लिए बयान देता है तो कहा जाता है स्ट्रेटजी, और खुद के बयान दिया जाता है तो कहा जाता है सुपर स्ट्रेटजी। पॉलिटिक्स में शफीकुर रहमान वर्क, हाँ एक बात सही है कि उम्रदराज वो हो चुके हैं, लेकिन इतने उम्रदराज नहीं हुए कि उनको पता ना हो कि वो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने जो बोला है पक्का खुद के लिए बोला है, क्योंकि इस बार वो सपा से सांसद है, ठीक इससे पहले वो बसपा से सांसद थे, और खास बात यह है इससे पहले भी वो सपा और बसपा दोनों के सांसद रह चुके हैं। तो शफीकुर रहमान वर्क को ये पता है कि संभल में उनको भाजपा टिकट तो देने नहीं जा रही, भारतीय जनता पार्टी संभल हारे या जीते, लेकिन किसी डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क को तो टिकट देने वाली है नहीं। तो ऐसे में उन्हें पता है कि हमारे दो ही ठिकाने हैं, उनके लिए कौन सा दरवाजा खुलता है। आज जबकि उनको आशंका हो गई कि सपा शायद हमारा दरवाजा बंद करे, तो बसपा के दरवाजे पर नॉक किया है उन्होंने, ये उनका नॉक है, दरअसल सच्चाई है। ठीक है, सपा के पास ही अब मैं जा रही हूँ। हमारे साथ शिल्पी चौधरी जी सपा से बनी हुई हैं। ये दूसरे दरवाजे की कुंडी क्यों खड़का रहे हैं शफीकुर रहमान जी?
देखिए बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब ये तो बहुत अच्छा एक पैनल बैठा है और दोनों राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत अच्छा विश्लेषण उन्होंने किया है जी। सिर्फ शफीकुर रहमान साहब ही हमारे यहाँ के वयोवृद्ध सांसद नहीं है, हमारे विधायक आलमबदी साहब पुराने विधायक हैं और कई बार के विधायक हैं और तकरीबन इसी उम्र के हैं, लेकिन जैसा कि अमरेंद्र जी ने कहा कि अपने लिए बयान देना सुपर स्ट्रेटजी होता है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि आप सांसद हैं, आपके बेटे को भी विधायकी मिल गई है, लेकिन आप किसी युवा को नहीं आने देना चाहते आप आगे, आप क्यों नहीं स्वेच्छा से जनसेवा में उतर जाते हैं, ये इतनी तितिक्षा क्यों है, क्यों है? अगर आपको लगता है आप इतने लोकप्रिय हैं तो फिर तो कोई डर ही नहीं होना चाहिए, इस तरीके की कुंडी खटखटाने का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हाँ अगर आप कुंडियां खटखटा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं। तो ये मुझे लगता है कि रोज एक विडंबना की स्थिति होती थी कि हम लोगों के पास डिबेट में आता था कि आज बर्क साहब ने ये कह दिया कुछ जवाब दीजिए, आज बर्क साहब ने वो कह दिया कुछ जवाब दीजिए, ये कुछ नया नहीं है, एक सेंसेशन क्रिएट करना भर है। और बड़े हैं जैसा कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि बड़े हैं, उनकी बात का बस हम सुन के सम्मान कर लेते हैं, उनका सम्मान आज भी है समाजवादी पार्टी में, कल भी रहेगा, निर्णय तो उन्हीं का होगा, और मुझे लगता है कि सिर्फ ये कुंडी खटखटाने की बात है, वो बस अपने आप को लेकर आशंकित हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है फिलहाल। ठीक है, मुझे हालांकि इस जवाब की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, मुझे लगा था कि आप ऐसा कुछ कहेंगी कि शायद वो जरूर कह रहे हैं लेकिन वो बड़े हैं, आपकी पार्टी के हैं, आपकी पार्टी में इतने समय रहे, आपकी पार्टी से एक पद सांसद का उन्होंने दिया है और काफी लंबे समय से आपकी पार्टी से ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बसपा में भी वो रहे नो डाउट, लेकिन सीनियर पॉलिटिशियन है और ऐसे में अब आप लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें आप दूसरों को भी मौका देना चाहिए, जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास कोई फेस होगा तो जरूर आप वहां से लेकर आएंगे, लेकिन शिल्पी जी क्योंकि अब एम फैक्टर से थोड़ा सा शिफ्ट होती हुई आपकी पार्टी दिखाई दे रही है, कहीं ये वजह तो नहीं है शफीकुर रहमान की नाराजगी की? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए कि नाहिद हसन इस बार हमारे यहाँ से विधायक बने, आलमबदी साहब विधायक बने, कोई एम फैक्टर और वाई फैक्टर जैसी बातें थी ही नहीं। हाँ, हर एक पार्टी का अपना एक कोर वोटर होता है, मायावती जी के पास उनका एक कोर वोटर है, बेस वोटर, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक बेस वोटर है, समाजवादी पार्टी का भी अपना बेस वोटर है, लेकिन कभी भी सांसद या विधायक बनते हैं तो उन्हें सभी जाति धर्म वर्ग के वोट मिलते हैं, कोई भी विधायक सांसद किसी एक धर्म जाति से किसी भी एक कंस्टिट्यूएंसी में सिर्फ एक धर्म जाति के लोग नहीं रहते हैं, तो इस तरीके का भ्रम नहीं क्रिएट करने चाहिए। मुझे लगता है कि जनता बाकी मेंबरों के पास भी जाऊंगी, अमरेंद्र कितना सहमत आप मैडम चौधरी की बातों से बताएं? देखिए इन्होंने अपनी पार्टी लाइन ली है पारुल जी, और मैं इनका मतलब स्वागत करता हूँ, अच्छी बात है, जो पार्टी का है वो पार्टी लाइन ही लेगा, लेकिन सवाल यहाँ पर कई, डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग अगर इतने ही बुरे थे तो सपा ने फिर उनको टिकट क्यों दिया, क्या सपा का उद्देश्य केवल वो सीट जीतना था? अच्छा अगर अच्छे थे सपा ने टिकट दिया, एक बयान के बाद सपा की प्रवक्ता ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं उनके बारे में? अच्छा चलो वो अच्छे भी थे बुरे भी थे दोनों ले लें, अब बात मायावती से हो जाती है जिनकी उन्होंने तारीफ की है, लेकिन तारीफ के साथ साथ ये भी मैं बता दूं कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जो है बड़े बयानवीर रहे हैं, बड़े बयान देते रहे, विवादित बयान देते रहे। सवाल ये है कि मायावती जी या बहुजन समाज पार्टी क्या ऐसे व्यक्ति को टिकट दोबारा देगी या पार्टी मिलेगी जिसका बयान था शादी की उम्र बढ़ने से मनमानी करेंगी लड़कियां, ऐसा विवादित शर्मनाक बयान कहा गया था इसको उस समय, सभी नेताओं ने कहा था कि शर्मनाक बयान, और ऐसा शर्मनाक बयान देने वाले सांसद है, वो सांसद होने के नाते पद उनका माननीय है लेकिन ये बयान माननीय नहीं है, ये बयान शर्मनाक कहा गया था, और हमें भी लगता है कि महिलाओं के बारे में ऐसा ओछा बयान देना अच्छा नहीं है। किसी भी तरह की मायावती ऐसे व्यक्ति बोलेंगी कोई भी जगह? एक और बात, उन्होंने तालिबानों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से कंप्राइज किया था, अब ऐसे व्यक्ति को जिसका बयान तालिबानों को आजादी का लड़ाका कहने वाला हो, इसका बयान लड़कियों की शादी की उम्र अगर 21 साल हो जाएगी तो आवारगी करेंगी ये हो, बसपा उनको लेकर कितना वोट बैंक बढ़ा लेगी ये भी सवाल है। तो सवाल यह है कि बयान तो उन्होंने मायावती जी की तारीफ का दिया है लेकिन गारंटी अभी नहीं है, बसपा से कोई बात नहीं आई है कि वो बसपा में जा ही रहे या टिकट मिल ही रहा है,
तो पारुल जी बिल्कुल बसपा का कोई प्रवक्ता हमें मिला नहीं, मना कर दिया लोगों ने। ये थोड़ी सी शिकायत है हमारी भी कि बीएसपी जब उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में है तो वो अपने जो भी स्पोक पर्सन है उनकी पार्टी में, आखिर क्यों वो मीडिया के सामने आकर किसी तरह का रिएक्शन देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये बड़ी शिकायत है बीएसपी से इस मामले में। मैं लौटूंगी आपके पास अमरेंद्र, अब बीजेपी और कांग्रेस से भी हम टिप्पणी ले लेते हैं। बघेल जी क्या कहेंगे, आपके लिए तो अच्छा ही है, एक बड़ा एक ऐसा बड़ा कह सकते हैं कि योद्धा जो सपा के लिए लड़ रहा था, हालांकि अब वो पसंद नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि उनकी बयानबाजी भी गलत, वो भी गलत हो गए हैं, उम्र भी हो गई है, तो एक बड़ा वोट बैंक कटता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि हो सकता है उसके पीछे कोई और भी बड़ा चेहरा तैयार कर रही हो सपा। देखिए पारुल जी, समाजवादी पार्टी के पास में एक बहुत बड़ा ऑलराउंडर नेता समाजवादी पार्टी ने अभी तक संजो के रखा था और आज उनको उम्र होते होते उनको किनारे लगाने का काम समाजवादी पार्टी आज कर रही है। देखिए अगर सभी को रघुवर भट्ट के बारे में देखा जाए तो उनसे बड़ा कोई समाजशास्त्री नहीं, उन्होंने समाज के लिए बेहतर बेहतर बयान दिए। अभी मेरे साथी मित्र कह ही रहे थे पैनलिस्ट के समाज के अंदर उन्होंने क्या लड़की आवारगी करेंगी अगर उनकी शादी की उम्र बढ़ा दी जाए। बहुत बेहतरीन विदेश नीति विशेषज्ञ है वो, उन्होंने कहा था कि तालिबानों की जो तुलना थी वो भारत के आजादी के लड़ाकों के साथ में कर दी थी, उससे भी बेहतर वो गृह नीति विशेषज्ञ भी हैं। गृह नीति विशेषज्ञ इसलिए क्योंकि पीएफआई के जो आतंकी संगठन थे उन आतंकी संगठनों को वो बोलते थे कि वो एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त पार्टी है, उसके बाद में अगर कहीं चले जाओ तो उनसे बढ़िया कोई स्वास्थ्य विशेषज्ञ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य के ऊपर लेकर सबसे बड़ी टिप्पणी करी। उन्होंने कहा था कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ नमाज पढ़िए, अल्लाह से माफी मांगिए, दुआ कीजिए और कोरोना खत्म हो जाएगा। ये सब चीजें हैं, तो ये सब चीजें हैं। आपके लिए प्लस पॉइंट ये हो गया कि सपा की तरफ से तो एक सिग्नल मिल रहा है उनके लिए रेड, और अगर इतना बड़ा नाम सपा के पास नहीं है शफीकुर रहमान जैसा कोई ऐसा नेता जो वहां पर इतना बड़ा वोट परसेंट लेकर आ सके, तो आपके लिए तो चांदी है। सीधा सवाल पूछ रही हूं। देखिए मैं आपको बता दूं पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार जनता के बीच में बना रहने का काम है, और रही बात समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान वर्ग जी की, तो 2014 के अंदर चुनाव हारे थे भारतीय जनता पार्टी से। अगर इनको पहले से ही पता था कि अगर बहन कुमारी मायावती जी के साथ में इनका समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं होता तो वो किसी प्रकार से जीतने का काम नहीं करते और वहां से चुनाव जीतते ही नहीं, तो उनको पहले से ही पता है कि अगर बहन जी का उनको साथ नहीं मिलेगा, आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तो वो संभल से सांसद नहीं बन सकते। समाजवादी पार्टी के जो 5 सांसद जीत कर आए थे, जो अब सिमटकर 3 की संख्या में रह गए, वो जीत नहीं सकते। तो समाजवादी पार्टी को भी मालूम है कि समाजवादी पार्टी तो भी नुकसान है अगर बीएसपी के पास भी वो जाते हैं तो भी आपका नुकसान। देखिए बीएसपी के पास जाए, ये बीएसपी ने तो स्पष्ट कर दिया ना, बहन जी ने तो स्पष्ट कर दिया कि वो अब किसी के साथ में यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं करेगी। तो ये तो समाजवादी पार्टी को सोचने का काम है कि वो केसीआर से जाकर मिलने का काम करते हैं, परंतु उत्तर प्रदेश के अंदर वो अपनी समाजवादी पार्टी को जोड़कर ही रख लें, अपने कार्यकर्ता को संभाल के रख लें, अपने नेता विधायकों को संभाल के रख लें, ये भी समाजवादी पार्टी की। वो अच्छे तब तक लगते थे जब तक उनके साथ वोट बैंक जुड़ा हुआ था, उनके साथ कोई किसी तरह की टिप्पणियां या किसी तरह की बयानबाजी नहीं जुड़ी थी। अब वो उम्र भी हो गई है उनकी, अब वो बयानबाजियां भी अच्छी नहीं करते हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं। लेकिन कांग्रेस इस पर क्या सोचती है? देखिए कई सारे ऐसे मुस्लिम वोटर्स हैं जो तमाम पार्टियों को अलग अलग तरीके से पसंद करते हैं, लेकिन शफीकुर रहमान बर्ग के साथ भी एक वोट बैंक जुड़ा हुआ है, इसे नकारा नहीं जा सकता, भले ही वो कैसी भी बयानबाजी करते हो। सुधा जी। जी पारुल जी, आप जानती हैं अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जो अभी आया है, उन्होंने कहा था कि जब आपके जो बिगड़े बोल होते हैं, एक्चुअली हमें जो व्यक्त की आजादी मिली है उसमें शुचिता और सदाचार दो बातें मायने रखी गई हैं, उसके आधार पर बताया गया आर्टिकल में जो भी लिखा गया है उसमें दो आधार थे। तो अब अभी दीपक भाई को बहुत दर्द हो रहा था कि बुजुर्ग हो गए हैं, बुजुर्गों को कैसे दरकिनार करना है ये उनसे बखूबी कोई जानता नहीं, इसलिए इस बात को कह पा रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ जिस तरह से एक उम्र के बाद पहचाना नहीं आता है मंचों पे, तो वो तो उनको पता है इसलिए वो कह पा रहे हैं। बाकी यहाँ पे जिसके नहीं तो बारे ऐसे में भी तो कह सकते हैं ना आप मैडम कि उसी ट्रैक पर उसी वे पर सपा भी चल रही है अब। नहीं नहीं देखिए, मैं कभी भी किसी पार्टी की लाइन को मैं कैसे खींच सकती हूँ भाई, वो अपनी पार्टी उनकी अपनी जिम्मेदारी है, वो अपना देखेंगे। दीपक भाई के दर्द की बात मैं कर रही थी, क्योंकि वो कह इसलिए पा रहे क्योंकि उनको अनुभव है, वो उस उम्र को बार बार लेके रेखांकित कर रहे थे क्योंकि उनको अनुभव, वो जानते हैं ऐसा होता है, तो वो कह पा रहे हैं। जहां तक जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को बार बार विवादित बयानों पे आके खुद बोलना पड़ता है, मैं एक
राजनीति में होने के कारण और एक टीचर होने के नाते मैं चाहती हूँ कि हर एक राजनीतिक पार्टी अपनी एक लाइन जरूर बनाए, क्योंकि आप समाज के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे समाज के हर वर्ग कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। लेकिन ये आए दिन जो कुछ भी बोल दिए जाते हैं उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई का न होना, आप जानते हैं जब तक दंड विधान में वो नहीं होगा कि इससे किसी को क्या होने वाला है, ये चीजें होती रहेंगी। क्योंकि आप देखिए उनके बयान कई सारे हैं, सब लोग कह रहे हैं, अभी अमरिंदर सर ने भी कहा, प्रमोद सर ने भी कहा कि उनके बयान ऐसे बहुत से आते हैं, ऐसे उनके नहीं ऐसे बहुत से बयान आते हैं, लेकिन उन बयानों के आने के बाद होता क्या है ये ज्यादा मायने रखता है। अगर व्यक्ति को क्लास में बच्चा बदमाशी कब नहीं करता है, उसे पता होता है कि वो दंड उसको मिलेगा, बच्चा बदमाशी भी नहीं करता है, यहाँ पे क्या दिक्कत है कि ये जो बदमाश बच्चा है ना मैडम, ये बदमाश बच्चा हर पार्टी में बैठा हुआ है दरअसल, और तमाम पार्टियों के प्रवक्ता आकर बड़ी पीठ थपथपा के बोलते हैं कि ये गलत है, लेकिन जो गलत कर रहे हैं उनको निकाल के बाहर क्यों नहीं फेंकते। मैं सुप्रीम संविधान की बात कर रही हूँ, इस देशवासी के होने के नाते बात कर रही हूँ, उसे फॉलो करने वाले हम सभी हैं ना मैडम, होना चाहिए, उसे फॉलो करने वाले आप सभी हैं, हम सभी हैं, तो लोग ऊपर निर्णय कर रहे हैं। और जहाँ तक कांग्रेस में है, आप जानते हैं कि व्यक्तिगत बयान देना उसके बाद पार्टी का बयान देना दोनों बातें अलग हो जाती हैं, और जब समाज के सापेक्ष ना हो उसका विरोध होना चाहिए, बाकी सपा पार्टी उसके लिए क्या कर रही है, ठीक है, बयानबाजी का जिक्र हो रहा है, बीजेपी के लोगों को पता है ये हो जाने, ठीक है। गोस्वामी साहब, तीनों की बातें आपने सुनी, लेकिन एक उम्रदराज एक की एक बड़ा वोट परसेंट है उनके साथ, दूसरी बात ये भी कि बयानबाजियों के स्तर को नापिए तो तमाम दलों पर ऐसे ऐसे नेता बैठे हुए जिन्होंने महिलाओं के लिए किसी भी हद पर जाकर क्या क्या नहीं कहा, लिस्ट निकाल लीजिए तो ये डिबेट कम पड़ जाएगी बात करने के लिए। पारुल देखो, मैंने पहले ही ये कहा जी सर कि अब राजनीति में मूल्यों सिद्धांतों शुचिता की कोई स्थान नहीं रह गया है, अब तो हमको सारे राजनीतिक, इसमें किसी एक राजनीतिक दल को आप नहीं कह सकते, सभी राजनीतिक दलों का जो जन सरोकारों का आधार रहा है वो पिछले कई दशकों से अब जन सरोकारों के बजाय सत्ता हासिल करने का लक्ष्य मूल्य सिद्धांत बन गया है, वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, बयानबाजी के आधार पर। अभी सुधा जी ने बहुत अच्छी एक बात कही, मुझे बड़ा अपील की कि स्पीकर अपरूप नाम नहीं लिया लेकिन मैं उसको कह देता हूँ कि शफीकुर रहमान साहब जो है वो उन शैतान स्टूडेंट्स हैं कि जो बयान, मतलब किसी भी अच्छे, अगर कोई भी नीतिगत फैसले हो, कोई अच्छे फैसले हो, अच्छे बयान हो, उसको वो स्वीकार नहीं करते, उस पर जरूर तल्ख और ऐसी टिप्पणी कर देते हैं या ऐसे बयान दे देते हैं, और अभी नहीं इस तरह से देते चले आए हैं कंट्रोवर्शियल बयान। यहीं पर मेरा थोड़ा सा काउंटर क्वेश्चन है सर, मैं चाहूंगी दर्शकों को समझ में आए, क्योंकि सपा भी इस चीज को लेकर बोल रही है। अभी सपा से जो मेहमान हमारे साथ बैठी हुई है मैडम चौधरी, उनका यही बताना है कि वो ऐसे बयान भी देते हैं और अब उम्र भी हो गई है, उनको राजनीति से संन्यास लेने चाहिए। सपा का स्टैंड शफीकुर रहमान के लिए ये जो निकल कर सामने, ऐसे सहमत हैं आप कि ठीक है? नहीं, देखिए ये तो खैर उनका पार्टी लाइन पर है, ये बात अमरेंद्र ने ठीक कही है, लेकिन एक बात ये है कि ये कोई आधार नहीं होता है, आधार होता है कि उसको कैसे हटाना, बोले उम्रदराज हो गए, हट जाइए आप, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि तालमेल बैठ नहीं रहा है, और ये बात भी सच है कि शफीकुर रहमान जी का वहां संभल में अपना एक वजूद है, उनका अपना एक वोट बैंक है, तो इस वजह से वो हमेशा, और उनको इस बात पर समाजवादी पार्टी हमेशा हलकान भी रही है, मुलायम सिंह के समय में भी रही है, मैंने देखा है उनके उस समय के बयान से मुलायम सिंह जी भी कुछ कह नहीं पाते थे, क्योंकि पार्टी के सांसद थे और एमबाई फैक्टर था, राजनीतिक मजबूरियां होती हैं। लेकिन ये सच है कि वो बयान के मामले में वो हमेशा मतलब पार्टी लाइन से हटके, समय थोड़ा सा कम है, अब मैं आप ही की बातों को आगे ले जाती हूँ, शिल्पी जी बात करना चाह रही हैं, शिल्पी जी कहिए। देखिए, मेरी बातों को मिस इंटरप्रेट करके बिल्कुल यहाँ ना रखा जाए, जो मैंने बात कही वो सिर्फ इतनी सी है कि शफीकुर रहमान साहब के हर बात, हर स्टेटमेंट, हर निर्णय का स्वागत है, पार्टी उनके साथ कल भी थी, आज भी है, अंतिम फैसला तो वो स्वयं लेंगे, तो आप समझदार हैं, बयान के साथ भी है जहाँ वो तालिबानियों के लिए अपनी बात रखते हैं, जहाँ वो बच्चियों की शादी की एज बढ़ने के लिए भी बात रखते हैं, ऐसे बयानों पे किनारा कर लेते हैं ना तरीके का। नहीं, किनारा करिए तो हम उनका समर्थन कौन सा कर रहे हैं,
अभी आपने कहा, अभी आपने कहा मैडम व्यक्तिगत बयान तमाम उनके बयानों के साथ पार्टी है, समाजवादी पार्टी की पार्टी लाइन नहीं है ये, पार्टी लाइन नहीं है, आप डेविएट ना करिए मुद्दा, ये पार्टी लाइन नहीं है, आप पार्टी लाइन पे बात कर रही हैं, पॉलिटिक्स की बात और है, पेट्रियटिज्म की बात और है, आपकी दोनों चीज कर रही है और कर भी कैसे, भी देश विरोधी बात अगर होगी, पीएफआई की बात होगी या तालिबान की बात होगी तो क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी किसी के साथ खड़ी होगी? हाँ, तो यही तो बात हो रही है ना मैडम कि वो गलत बयानबाजी भी करते हैं, आपकी तब भी आपकी पार्टी के सांसद हैं। बसपा सिर्फ सुप्रीमो से हो रही थी, देखिए समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी, वो एक लाइन लिख के नहीं देती, हाँ लाइन लिख के बसपा देती है, जो अभी आप समस्या कह रही थी ना कि कोई भी मीडिया में नहीं आता बसपा से, तो पूछे ना बसपा इस बात का जवाब क्यों नहीं देती है, क्योंकि डेमोक्रेसी ही नहीं है वहाँ पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। नहीं, लेकिन ये जो आपने शुरुआत में कहा था, अब आप उस पर थोड़ा सा उसको क्लीन करने की कोशिश कर रही हैं, आपने जो वर्ड यूज किए, उम्र दराज भी यूज किया, आपने उनके बयानों को भी गलत ठहराया, और अब आप उन बातों को क्लीन करने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है, वो मजबूरी भी हो सकती है। मेरे पास समय कम है, बाकी दो मेहमानों को 30-30 सेकंड में देना चाहती हूँ। बघेल जी 30 सेकंड और बोल लीजिए सर। देखिए पारुल जी, किस प्रकार से समाजवादी पार्टी अपने डबल फेस को दिखा रही है, ये दो दो चेहरे रखने वाली पार्टी है। अरे बेकार की बातें ना करें, दो चेहरे और पांच चेहरे, डबल इंजन की सरकार लगा लगा के आप कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की हालत देखिए देखिए क्या कर रहे हैं, क्या देखे देखे आडवाणी कहाँ से, आडवाणी कहाँ से, एक अच्छी बात हो रही है, इस तरह से चर्चा अच्छी नहीं लगती है, टाइम वेस्ट होता है दर्शकों का, आप लोगों की बात नहीं पहुंचती है। सुधा जी को बोल लेने दीजिए आप 30 सेकंड उनके। आडवाणी को क्यों गायब कर रखा है आप लोगों ने? ठीक है सुधा जी का टर्न है, मैडम सुधा जी का टर्न है, वो भी बैठी हुई है, हमारी गेस्ट है। सुधा जी आप बोल लीजिए, समय नहीं है मैडम, फिर मुझे इजाजत लेनी होगी। सुधा जी आप बोल लीजिए। शिल्पी जी प्लीज, समय थोड़ा सा कम है, दूसरे मेहमानों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें। जी सुधा जी जल्दी 30 सेकंड मैडम। सुधा जी आवाज मिल रही है आपको? जी पारुल जी, अब आज की इस पॉलिटिक्स में शफीकुर रहमान को कहां पा रही हैं आप? अभी प्रमोद जी ने और अमरिंदर जी ने बहुत बखूबी इस बात को कहा कि जिस तरह से वो गलत बयानी देते रहे हैं, चाहे वो औरतों के लिए हो, चाहे वो तालिबानी लड़ाकों के बारे में हो, और आज उन्होंने जो कहा, चूंकि जब जानती है कि स्वार्थ जो होता है व्यक्तिगत स्वार्थ, वो व्यक्ति को कहीं भी आगे लाने के लिए कुछ भी कहने पे विवश कर देता है, तो जो वो कह रहे हैं वो उनका अपना व्यक्तिगत राय है, बाकी सपा और बसपा दोनों कौन अपने पार्टनर को लेता है आगे देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्म है, क्योंकि आया शफीकुर रहमान का बयान, वो भी बसपा के लिए, और बड़ा ही प्यार से उन्होंने बयान दिया है, जहां वो कह रहे हैं कि मायावती जी यानी बीएसपी की देश को जरूरत है, वो उनकी कौम की आवाज उठाती रही हैं, तमाम और चीजें, लेकिन खबरें ये भी हैं कि क्या पसंद नहीं आ रहे हैं शफीकुर रहमान सपा को। दीजिए इजाजत, नमस्कार।